यहाँ पर ये वीडियो बनाते हैं। अभी देखिए कितना जुगाड़ खुद से किए हैं हर एक चीज। ये देखिए जुगाड़ देखिए, टीना है, चेयर है, इसीलिए ये पर्दा लगा हुआ क्योंकि पीछे उस तरह का बैकग्राउंड है नहीं, बहुत खराब दिखेगा। ये देखिए पूरा दीवार का कलर उड़ा हुआ है। पापा इनके फेरी करते हैं। ये देखिए ये सब सामान वामान बेचते हैं ना, यही साइकिल से पापा फेरी करते हैं ना। हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग पे स्वागत है। सो दोस्तों, अभी मैं आया था एक रिलेटिव के घर पे, ठीक है, वो मेरे भैया वहाँ पर खड़े हैं। तो यहाँ पर मैं आया तो यहाँ पर एक यूट्यूबर भी है, ठीक है, जो कि इसी गांव से है। ये गांव का नाम है खुसरी और यहाँ पर 12,000 उनके यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर है। लेकिन मैं ये ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल पाए कि यूट्यूब कैसे कैसे, अगर आपके अंदर में जुनून है, अगर आपके अंदर में इंटरेस्ट है कुछ करने का, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। और भाई के जब मैंने सारा सेटअप वगैरह देखा तो मुझे कहीं ना कहीं मेरा भी पुराना दिन याद आ गया कि मैं भी कुछ इसी तरह तरीके से वीडियो बनाता था। तो अभी चलिए मैं दिखाता हूँ उनका घर और उनका स्टूडियो कैसा है और वो कैसे यहाँ पर यूट्यूब पे आज 12,000 सब्सक्राइबर अपने दम पे, विदाउट एनी प्रमोशन, कुछ भी नहीं, अपने मेहनत से, अपने कॉन्टेंट के दम से 12,000 सब्सक्राइबर है और यूट्यूब से अर्न भी कर रहे हैं आज की डेट पे। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यही है वो भाई। Hello, नाम बताइए। मेरा नाम है प्रदीप और मैं भी एक टेक्निकल वीडियोस बनाता हूँ, चैनल भी है। तो भाई का चैनल है और भाई भी टेक्निकल वीडियो बनाते हैं, लेकिन चैनल का नाम आज मैं इस वीडियो पे नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर लगेगा लोगों को प्रमोशन हो रहा है। प्रमोशन में मुझे नहीं करना, आपके टैलेंट को शो करना है, ठीक है, वो चीज़ मैं बताऊंगा। तो यहाँ से देखिए इनका घर का स्टार्ट हो रहा है, ये गेट, और देख सकते हो आप लोग, देख के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कितना ज़्यादा स्थिति कैसा गंभीर है, ठीक है। मेरे ही घर में कुछ ऐसा ही था, मेरा भी एक मिट्टी का ही घर हुआ करता था पहले। और ये देखिए यहाँ से इनका ये स्टूडियो है, ये देखिए यहाँ पर ये वीडियो बनाते हैं। अभी देखिए कितना जुगाड़ खुद से किए हैं हर एक चीज़, ठीक है। ये देखिए टीना का एक दरवाज़ा लगा हुआ है, पूरा मिट्टी का ही है, कितना टूटा फूटा आप लोगों को तो सब दिख ही रहा होगा कैमरा पे, लेकिन यहाँ पर मेहनत का यहाँ पर सबसे बड़ी बात है। ये देखिए जुगाड़ देखिए, टीना है, चेयर है, और इसमें इन्होंने सॉफ्ट बॉक्स जो लाइट होता है वो खुद से बनाया हुआ है। और ये देखिए अंदर में क्या एलईडी बल्ब लगा दिए हैं, एलईडी बल्ब है। कितने कितने बल्ब है इसमें? 25 वाट का होगा, दो दो करके, नहीं एक ही, एक ही बल्ब है ना। तो ये खुद से आपने बना लिया, ये यूट्यूब पे ही वीडियो देख के ही सीखा होगा ना बनाने। ये देखिए जो कार्टून होता है ना उसी से इन्होंने खुद से बनाया है और इसमें कपड़ा ढक दिया ताकि ज़्यादा रिफ्लेक्ट ना करे लाइट, ज़्यादा फेस पे चमक ना आए। यहाँ एक ऊपर पे भी लाइट है इस तरह से, और ये देखिए इधर उधर एक लाइट है, सेम वैसे टीना पे रखा हुआ है। और ये रहा ट्राईपॉड और मोबाइल, और यहाँ भी देखिए एक टीना है। यहाँ पर क्या करते हैं, मतलब कपड़ा ही रखने के लिए रखते हैं? नहीं, वहाँ पे स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं ना, तो वहाँ पे रख देते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पर भाई बैठते हैं, बैठ जाइए आप एक बार। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे बैठ करके वीडियो बनाते हैं और नीचे स्क्रिप्ट वगैरह बनाते हैं तो उसको रख लेते हैं वहाँ पर टीना पे, जिससे वो समय समय पे देख भी सके बीच बीच में अगर भूल जाए तो। और इस तरह से देखिए वीडियो शूट होता है। ये देखिए वीडियो पे आप लोग दिख रहा होगा, इनके चैनल पर ऐसा ही वीडियो आता है। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भी हम लोग यूट्यूबर आना चाहते हैं या कोई भी नए क्रिएटर्स यूट्यूबर आना चाहते हैं तो हम लोग जरूर सोचते हैं कि हम लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए, अच्छा मोबाइल होना चाहिए, अच्छा पीसी होना चाहिए, अच्छा फोन होना चाहिए, तब जाके हम लोग यूट्यूबर आ सकते हैं। तो आपके हिसाब से यूट्यूबर आने के लिए क्या जरूरी है? और इधर तो लाइट वगैरह हो गया, पीछे इन्होंने एक जो है ये देखिए लकड़ी दे करके, ठीक है, बैकग्राउंड में एक पर्दा लगा दिए हैं काला कलर का, ताकि क्या होगा प्रोफेशनल लगता है वीडियो देखने में। आपने दिखाया अपना स्टूडियो कभी अपने वीडियो में? आप कैसे वीडियो बनाते हैं? दिखाए हैं, व्यूज नहीं आया उसमें उतने, लेकिन लोगों को उसमें व्यूज आना चाहिए था, इससे भी लोग मोटिवेट ही होते हैं। खैर कोई नहीं, मेरे चैनल पर देखेगा कि कैसे कैसे यूट्यूब लोग करते हैं। और ये देखिए इसीलिए ये पर्दा लगा हुआ क्योंकि पीछे उस तरह का बैकग्राउंड है नहीं, बहुत खराब दिखेगा। ये देखिए पूरा दीवार का कलर उड़ा हुआ है, देखिए मिट्टी वगैरह पहले रखा हुआ है। पहले वो रसोई घर था ना, तो वो मम्मी वगैरह करती थी, हाँ। तो जब वीडियो वगैरह जब फर्स्ट पेमेंट आया था ना, तो ये सब हम खुद से यहाँ पे बना दिया और घर वाला चूल्हा तो फिर उधर हम बना लिए। फर्स्ट पेमेंट आपका कितना आया था? वही लगभग 7.5 से 8.5 के बीच में आया था, 7.5-8 हज़ार रुपए। उसमें जब आया तब आपने ये सब किचन को उधर शिफ्ट कर दिया और वो भी गड़बड़ हो गया कि जब फर्स्ट पेमेंट आया ना तो 13,000 का मोबाइल ऑटोमेटिक चौपट हो गया, चार्ज में लगाए थे फिर खराब हो गया, तो फिर उधारी में मौसी से उधार लेके फिर नया मोबाइल यही वाला लिए थे उस टाइम। तो जब आपने यूट्यूब स्टार्ट किया था तब आपके पास फोन था पहले से? हाँ, 13,000 का मोबाइल था एक, तो वो भी पापा ही दिए थे। और जब पेमेंट आया, पढ़ाई वगैरह अभी आपका चल रहा है? पढ़ाई और ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो गया। ग्रेजुएशन भी कम्प्लीट कर लिया आपने और साथ साथ यूट्यूब भी करते थे, तो यूट्यूब पे भी टाइम मतलब समय निकाल करके यूट्यूब पे वीडियो बनाए, इसको थोड़ा ज्यादा टाइम दे और पढ़ाई में। पढ़ाई तो कंप्लीट हो गया अब, मतलब इधर फोकस कर। आज के डेट पे भाई के चैनल पर 12,000 ज्यादा सब्सक्राइबर है, 12,000 से भी ज्यादा। और ऊपर देखिए एडवेस्टर लगा हुआ है, बाकी ये देख लिया पूरा जुगाड़, ये देखिए मिट्टी का है पूरा नीचे। तो यहाँ पर इस तरह से वीडियो बनाते हैं और 12,000 सब्सक्राइबर है, बहुत अच्छा लगा। मैं भी कहीं ना कहीं कुछ इसी प्रकार से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, ठीक है, मैं भी एक सीढ़ी के कोने में ऐसे ही फोन रख करके वीडियो बनाया करता था। लेकिन भाई के पास ये जो बोला ये ट्राइपॉड ये माइक भाई का नहीं है, ये कोई दोस्त का है, मांग करके वीडियो बनाते हैं ना, जो था ना
अपने उसमें दोस्तों मिलकर किए थे ना, अच्छा सब उसी चीज का है। तो वो लोग बनाया नहीं, फिर इन्होंने भी काफी कुछ ट्राई किया। पहले कॉमेडी चैनल चलाता था कुछ ग्रुप्स के साथ, जब वो चला नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब संभालना मुश्किल भी होता है वो सब चैनल ज्यादातर सब, मतलब सबको उतना मेहनत भी नहीं कर रहा था, सब अपना अपना काम करता था। मेरा भी कुछ उसमें दोस्त था तो भी नहीं हुआ ऐसा हो रहा था। तो चलिए सारा सेटअप दिखा दिया। ये देखिए इस खिड़की से, ये खिड़की जो है ना उस साइड से इनका घर दिखता है, और वो घर पे इनके मम्मी, इनके भाई जो को ये फैमिली सब इनको देखते हैं कि हाँ ये वीडियो बना रहे। लाइट्स वगैरह ऑफ हो जाता है जब वीडियो बनाते हैं, ये पूरा लगा देते हैं, ये पर ये जो ये देख रहे हो बोरा इसको टांग देते ताकि लाइट उधर से ना आए। तो सबको घर में देखते हैं कि हाँ ये वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आज के डेट पे सबको सपोर्ट भी करते हैं, है ना। हाँ। सबको जानता है कि आप वीडियो बनाते हो, लेकिन पहले सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन जब फर्स्ट पेमेंट आया ना तो थोड़ा विश्वास हो गया घर में भी, और आपका स्टोरी वगैरह दिखाया थोड़ा विश्वास हो गया था। तो ये चीज अच्छा लगता है कि इन लोगों के पास एक एग्जांपल है। लेकिन चलिए कहीं ना कहीं वही है कि सरकारी नौकरी रहता तो ज्यादा बेहतर, अच्छा बेहतर। अच्छा आपके घर में ऐसा ही बोलता है सरकारी नौकरी रहता तो ज्यादा अच्छा। तो मैं यही चीज बोल रहा था कि एक एग्जांपल अगर मिल गया है कि हाँ चलिए मनोज भाई का एग्जांपल दे दो अपने फैमिली को कि देखिए वो क्या करते थे आज क्या है नहीं है, तो ये काफी आपको यूट्यूब पे सपोर्ट मिल जाएगा घर से। मुझे तो वो भी चीज नहीं मिलता ठीक है। और इधर देखिए कितने सारे, ये भाई यार आपके, हाँ, क्या नाम है? विकास से। आपका नहीं है यूट्यूब चैनल? ना मेरा यूट्यूब चैनल नहीं, भैया को ही सपोर्ट करते हैं। भैया को सपोर्ट करते हैं, अभी करना भी नहीं है यूट्यूब, पढ़ाई कर रहे हैं ना? कौन क्लास में? 9th में। ये लोग सारे इनके दोस्त है ना? हाँ, दोस्त। चलिए ये देखिए इनका ये है घर, यहाँ से घर भी थोड़ा दिखा देते। वो ऐसे अभी भाड़ा नहीं लगता है, क्वार्टर है ना। हाँ, अपना घर आपका कहीं और है शायद? हाँ, पापा फेरी वगैरह करते हैं, पापा इनके फेरी करते हैं। ये देखिए ये सब सामान वामान बेचते हैं ना, जो प्लास्टिक का जो होता है, गिलन हो गया, ये बाल्टी वगैरह ये सब देखिए। तो मोटिवेट होइए, ये सब दिखाने का रीजन यही था, यही साइकिल से पापा फेरी करते हैं। हाँ अभी देखा तो घर कुछ इस प्रकार का भी ये रहते हैं यहाँ पर। YouTube का जब पेमेंट आया था ना, तो फिर जब पहला पेमेंट आया था तो मोबाइल लिए, अब जब सेकंड थर्ड को मिला दिए ना तो फिर इन्वर्टर थोड़ा सा हो गया, टूल ले लिए, और वो चेयर भी उसी टाइम लिए थे सेकंड पेमेंट में, और जब थर्ड और फोर्थ आया तो ये पलंग लिए अभी मिनिमम 10-15 दिन के अंदर, और इन्वर्टर लिए। लाइन चला जाता है 10-15 दिन बाद आता है, यहाँ पे लाइन लाइट का बहुत प्रॉब्लम करता है। तो अभी इन्वर्टर रिसेंटली लगाए हैं भाई ने, एक पलंग भी लिया है जो कि सारा YouTube से ही आ रहा है। हाँ। YouTube से अभी टोटल इनकम कितना हुआ होगा? टोटल सारा कुछ स्पॉन्सर वगैरह मिला करके मिनिमम 70-80 हज़ार, मतलब अभी तक कमा 80 से 1 लाख के बीच में हो गया। लेकिन YouTube पे 2 साल आपका हो भी गया ना। हाँ। 2020 से स्टार्ट किया था। हाँ। ये वाला चैनल। हाँ। जो अभी चल रहा है। हाँ। चलिए भगवान की कृपा से, पब्लिक का सपोर्ट से और बढ़ेगा, अभी सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो व्यूज बढ़ेगा। थैंक यू कि आपने इतना तो भाई के चैनल पर एक इंटरव्यू मेरा भी आएगा, इन्होंने मेरा एक इंटरव्यू लिया है, मैंने वहीं पे सेटअप पे इनका इंटरव्यू दिया। और इनका अभी मैं चैनल का नाम नहीं बता रहा हूँ इस ब्लॉग पे। हाँ। इनका क्या करूँगा कि इनके अंदर में इतना टैलेंट है कि इन्होंने खुद से मेरे जैसा थंबनेल, आप लोग बोलते हो कि मनोज भाई आप थंबनेल कैसे बनाते हैं, तो मैं तो एक एडिटर से बनवाता हूँ जो कि फोटोशॉप से बनाता है, ठीक है, पीसी से। तो ये भाई क्या कहेंगे, मेरे जैसा थंबनेल ये हुबहू सेम एकदम वैसे ही क्वालिटी का पिक्सल लैब एप्लीकेशन से ही बना लेता है फोन से। तो मैंने देखा इनका चैनल पर कि ये इन्होंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल भी डाल रखा है कि कैसे आप मेरे जैसा थंबनेल बना सकते हैं। तो मैं वो वाला वीडियो अपने चैनल पर डालूंगा, मेन वाले चैनल पर, ताकि आप लोगों को भी सीखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ इनके टैलेंट को भी शो हो जाएगा, और आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप इनको सपोर्ट कर सकते हैं। अभी प्रमोशन नहीं करूंगा, प्रमोशन करना ही नहीं है, आपके टैलेंट के ही दम से लोगों को पसंद आएगा तो आपको सपोर्ट करेगा, अदरवाइज ऐसे मजा भी नहीं है ना। लोग खुद आपके चैनल पर आए, आपका काम देख करके आपको सपोर्ट करे तो ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यही है, टेक चैनल पर एक वीडियो आएगा, बाकी घर वर वगैरह आप लोगों ने देख ही लिया काफी कैसा स्थिति है, बट ये स्थिति ज्यादा दिन नहीं रहेगा, अभी आपका दिन चेंज होने वाला है आने वाले टाइम पे, ठीक है। बस इसी तरह काम कीजिए, मेहनत कीजिए, बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से। हाँ, एंड और आगे बढ़िए। चलिए काफी अच्छा लगा मिलके, इंटरव्यू दे करके। हाँ, फिर कभी मिलेंगे। हाँ, चलते हैं अभी, है ना, बाय। अभी यहाँ पर चाय बना के ले आए हैं भाई, चाय पियेंगे उसके बाद घर निकलेंगे डायरेक्ट, क्योंकि मैं अभी सोच रहा हूँ मुझे रात भी निकलना है। और एक तो ऐसे ले लीजिए, ऐसे हाँ, इसको इतना ही लीजिए आप ही लीजिए। चलिए अब निकलेंगे घर, तो स्टार्ट है तो क्या। रजनी दा से मिलाइए इधर। भाई रजनी भाई पुष्पा भाव है अपने, झुकेगा नहीं। रजनी दा थोड़ा मोटा हो गया है। रजनी दा दिखा दे का आप खाली पैर है, सोचिए अपने गांव में, गांव में
तो दोस्तों एकदम हम न्यूज एंकर बन चुके हैं, एकदम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं हम लोग। हम भी आपसे ग्राउंड रिपोर्ट बनाना शुरू कर, सब यूट्यूबर का घर पहुंच जाएंगे। आप लोग एड्रेस भेजो कमेंट में, अपना सबका घर पहुंच जाएगा, प्रमोशन घर पहुंच के करेंगे। तुमको अब आने की कहीं जरूरत नहीं है, आने की जरूरत नहीं, मेरे पास मिलने का आने की जरूरत नहीं, हम आपके पास 33 लाख सब्सक्राइबर से 33 लाख बार मतलब जाएंगे ना सबका घर। धीरे धीरे मेरी जिंदगी ऐसी खत्म हो जाएगी। बहुत दिन ধরে আছিস তোমার সাথে দেখা করব, চলো ধন্যবাদ দি থাকো। কোথায় বাড়ি? এই তো তুমি কি খুশি এসেছিল তো আমার কোনো পাশে হেডিয়াম বাড়ি। ঠিক আছে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ घर पे, और घर पे आकर फ्रेश होकर के सीधे आ गया हूँ बासु के घर पे, ठीक है, क्योंकि कल तो फ़ोन इसको दे दिया था, उसके बाद से मैं मिला ही नहीं, तो अभी वो अपडेट वगैरह कर रहा है, तो यहाँ थोड़ा देर बैठेंगे अभी, उसके बाद देखते हैं जाएंगे मार्केट तरफ। तो अभी बासु यहाँ पर देखिए अपडेट लगा दिया है अपना फ़ोन को, ठीक है, MIUI 30 यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है। कितना MB का था? हो गया ना 600 MB का था करीब। ये देखिए अपडेटिंग हो रहा है 27%। मज़ा आ रहा है चलाने में फ़ोन? बहुत ही स्मूथ ऐसे दिखा सकते हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे मार्केट तरफ, पहले अपडेट कर लेते हैं। सो हे गाइज, तो आपने पूरा ब्लॉग देख लिया, तो इस ब्लॉग में आप लोगों को क्या देखने को मिला कि अगर आपके अंदर में जुनून है तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो, एक्सक्यूजेज नहीं देना है। जैसे उस भाई के पास ऐसा कुछ भी सुविधा नहीं है, फिर भी वो अपना यूट्यूब चैनल कर रहे हैं, आज का दिन में वो कमा भी रहे हैं यूट्यूब से, और 12,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी है। तो कुछ ना कुछ आप लोगों को मोटिवेशन जरूर मिला होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।